करते हैं, आपका राज्यवार यात्रा भी चलेगी और कंप्लीट सेशन चलेगा। लेकिन जो आज की क्लास का मेरा डिस्कशन है वो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, धमाकेदार एक जो सीरीज लेके आया हूँ उस सीरीज पे बात करते हैं। आज की क्लास जो दरअसल होने वाली है वो SSC GD और CHSL, टारगेट क्या हमारा CHSL और SSC GD, इन्हें दोनों को मिला के लगभग अगर हम बात करें फिलहाल के समय पर हमारे पास 5000 पोस्ट लगभग CHSL की है, लगभग हमारी 45,000 प्लस पोस्ट किसकी है, 45,000 प्लस पोस्ट किसकी है आपकी, ये दोनों होती है आपकी 50,000 पोस्ट। ये कितनी है, ये 50,000 पोस्ट हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो दोनों क्लास, ये जो क्लास चलने वाली आज से, जिसमें हमारा क्लास 01 टाइटल है, इसमें मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, लगभग एग्जाम से पहले आपको कुछ ऐसे पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक के वो फैक्ट करवाने वाला हूँ जिससे लगभग आपका लगभग GS में, मैं अगर ज़्यादा ना बोलूँ तो 80% चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो होता है स्टैटिक GK का होता है, स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा रोल होता है और स्टैटिक जीके की ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर कि हमारी राज्यवार यात्रा भी चल रही है, तो राज्यवार यात्रा की एक प्लेलिस्ट अलग बनी है, वो भी चलेगी, वो भी लाइव होगी, तो 4 दिन ये होगी तो 2 दिन वो भी होगी, ठीक है, या ज़्यादा वो चला लेंगे तो, लेकिन क्लासे दोनों चलेगी, ये अभी बहुत ज़रूरी है, ये भी लेके आएँ और राज्यवार यात्रा भी लेके आएँ, ठीक है। हाँ, और राज्यवार यात्रा जो है हमारी वो GD से पहले पहले हो जाएगी, इसका भी प्रॉमिस है, कंप्लीट चीज़ें आपके साथ रहेगी, ठीक है। हाँ, ये स्टैटिक GK ही आपके चलेंगे, ठीक है, पूरा आपको फिलहाल ना बस ये जरूर टारगेट रखना है मेरे भाई कि हमें यहाँ पर जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है इन दोनों में 50,000 सीट में से कितनी चाहिए आपको, एक चाहिए ना, एक आपकी 100% है। अगर आप इस सीरीज में, बहुत सारी आपको टेक्निक बातें बताई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएगी, हाँ, तो वो आप फुलफिल करना। और ये क्लास एक नंबर बात में समझ लो, एक ही बात में कि CHSL के लिए सफिशिएंट है, साथ ही साथ GD के लिए, दोनों के लिए 100% ओरिएंटेड है, 100% ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए मेरी बात, वेरी गुड सभी के सभी साथी। तो देखो हम इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी SSC ने रिसेंटली पूछे हैं, ठीक है, जैसे CGL में हो गया, CGL में पूछे गए हैं और आपके बहुत सारे एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा, जो कि मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा विदाउट MCQ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको MCQ के साथ करवाऊंगा। जैसे अगर हम पहला ही क्वेश्चन ले, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको डिस्कशन करते हैं, इसका आंसर मुझे चाहिए और आंसर के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ा डिटेल में हो, ताकि मुझे लगे हाँ भाई बच्चा ईमानदारी से पूरी मेहनत करके पढ़ रहा है। अब देखो क्या लिखा है, विच स्टेट डज नॉट हैव अ हड़प्पन साइट्स, साइट्स मतलब एक ऐसा स्थान जो हड़प्पा स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू, आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका एरिया पता है आपको, एरिया मतलब ये जैसे भारत का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया पूछा गया तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कौन सा उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, आंसर बताइएगा और कैसे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्यों, एक अनंत ओझा जी कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आ गया अब वापस थोड़ी आएगा, बिल्कुल ये वापस आएगा, ये क्वेश्चंस आया नहीं था, ये बनाया, और देखो कैसे आएगा, देखो बेटा कैसे आएगा, जैसे यहां पर आपको पता है गुजरात में क्या है, हड़प्पा साइड से देखो कैसे है, यहां पर आपने देखा धोलावीरा, ठीक है, जैसे धोलावीरा हो गया आपका, और क्या है यहां पर जो भोगवा नदी के किनारे है, जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है आपका, कौन सा पोर्ट है उत्तराखंड, वहां पे आपका
गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? सभी बच्चे पोर्ट्स का नाम लिखे कमेंट सेक्शन में स्पीड के साथ। हरियाणा में आपका राखी गढ़ी ले लो, ठीक है। जम्मू में आप मांडा ले लो, लेकिन एक भी साइट आप नहीं बता पाओगे जो उत्तराखंड में है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा? अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको पता है इसके चारों पॉइंट कौन कौन से हैं? नहीं बताया बच्चों आपने? लोथल, अभी जो मैं इस बोर्ड पे लिखा है ना, इस बोर्ड पे से ये पूरा रिपीट करूंगा और एक क्वेश्चन आएगा बेटा आपकी क्लास में, लिख लो। जैसे मैंने यहां पे लिखा मांडा कहां पर है? जे एंड के में भाई। किस नदी के किनारे है बेटा? चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। नीचे दैमाबाद किस नदी के किनारे है? दैमाबाद आपका परवरा नदी के किनारे है। यहां पर कौन सा है? आलमगीरपुर, ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पर आपका क्या है? सुतका गेंडोर। एक नंबर पक्का करना है आपको, एक नंबर पक्का करना है। तो ये चीज देखनी है कि देखो एक क्वेश्चन आएगा किस राज्य में हड़प्पा स्थल, हड़प्पा से क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, कि भैया हड़प्पा का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? मांडा। सबसे साउथ कौन सा है? दैमाबाद। सबसे ईस्ट कौन सा है? आलमगीरपुर। सबसे वेस्ट कौन सा है? आपका सुतका गेंडो। और क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। किसके? हिंडन। ये किसके हैं? परवरा। और ये किस नदी के किनारे? डास्क रिवर। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ये पूछ लेगा आपसे कि लोथल किस चीज के लिए फेमस है, तो लोथल आपका पोर्ट के लिए फेमस है। पोर्ट बोले तो बंदरगाह। धोलावीरा किसके लिए फेमस है? बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको भैया? यानी आपका सबसे अच्छा जल प्रबंधन के लिए। सोचो आज से मतलब सबसे पहली सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में बात करें, आज दिल्ली में 2 घंटे बारिश हो जाती है तो पानी हालत इतनी खराब हो जाती बहुत ज्यादा। गुजरात में एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, आपका कौन सा? धोलावीरा। इतना बेस्ट वाटर मैनेजमेंट था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया, आपको पता है सबसे लास्ट में। बहुत सारी, और ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का राखी गढ़ी, ये आपको पता होना चाहिए। मांडा क्लियर, यानी इतनी सारी चीज आपकी स्टैटिक जीके की तैयार होती है, ठीक है। सर आपका जीके जीएस का बैच, बेटा जीके जीएस का बैच आया हुआ है, आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे से प्री प्लस मेंस लेवल का पढ़ना है तो आप ले सकते हैं 6 अक्टूबर का, और यदि आपका प्री क्वालिफाई हो चुका है और आपको मेंस पढ़ना है तो आप लेना मेंस का कॉम्बो, जो स्पेशल मेंस का कॉम्बो है आप वही लीजिएगा, वही आपका जो है काम करेगा। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर दीजिए। साथ ही साथ अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है? देखना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, आपको इसका आंसर बताना है। कैराना घराना। कैराना कहां पर पड़ता है? ये जिला शामली में पड़ता है, शामली जिले के पास कैराना घराना पड़ता है, वहां से इसका संबंध है। बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। राजपूत जी, बहुत सुंदर भाई। किस भाषा में? मराठी लैंग्वेज में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अब क्वेश्चन क्या आएगा अगली बार? क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुलामगिरी पुस्तक। आपको क्या याद करना है कि गुलामगिरी पुस्तक किस पैटर्न पर थी, या गुलामगिरी पुस्तक में क्या चीज थी? तो इसमें दास पर था, स्लेव चीजें दर्शाई गई थी, दास के बारे में बताया गया था। और दास प्रथा भी कहां की? अमेरिका की दास प्रथा के बारे में बताया गया, अमेरिका की दास प्रथा के बारे में बताया गया, अमेरिका की दास प्रथा के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका की दास प्रथा के बारे में इनमें से किस लेखक ने लिखा है, तो ज्योतिबा फुले ने लिखा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बताओ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है? भाई आज के लिए थोड़ा सॉरी, बिल्कुल आपकी साउंड वगैरह की जो प्रॉब्लम थी, कल से चीजें बहुत अच्छे से चलेगी, ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी।
कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नई सीरीज लेके आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आते हैं। तो आज ही एक नई सीरीज थी स्टैटिक जीके की, बहुत ही शानदार। इसमें पहले दिन में दिक्कत आई, लेकिन कोई बात नहीं, मुद्दा ये नहीं होता। मैंने आपको दो चीज़ बताई, हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना चले हो, मैटर करता है बीच में रुके तो नहीं हो। आप कितना भी चलो, धीरे धीरे भी चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस रुकना नहीं है। बाधाएं आएगी जीवन में, लेकिन आपको रुकना नहीं है। सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप रुके तो नहीं हो ना, रुकना नहीं है। छोटी छोटी बाधा आएगी, स्टार्टिंग में आएगी, बीच में आएगी, लास्ट में आएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा लिख रहा है भाई गलत आंसर बेटा, क्यों? क्योंकि आपने तुक्का लगाया। देखो गर्भा, डांडिया, भवाई, आपको पता है विदेशिया कहां का है? विदेशिया कहां का है? विदेशिया, विदेशिया कहां का है? बिहार का। अगर आपको पता है कि विदेशिया बिहार का है, तो बाकी तीन कहां के हुए? बाकी तीन गुजरात के हुए ना। यानी इस क्वेश्चंस के बहाने आपने तीन लोक नृत्य याद किए, कहां कौन सा? गर्भा, डांडिया, भवाई। वेरी गुड। तो विदेशिया बिहार, विदेशिया बिहार, क्लियर? हाँ, दोनों में कंफ्यूजन थे बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, देखो ये पूछा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको पता है कि ये मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मैं आपको उपराष्ट्रपति पूरा पढ़ा था। उपराष्ट्रपति में लिखना क्या लिखना कि वाइस प्रेजिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी जो भी देश में उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति होगा, क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। तो यहां पर पूछा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्यसभा का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड कुछ नहीं होता, परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा के मेंबर का क्या होता है? राज्यसभा के मेंबर का 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के स्पीकर का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसलिए क्वेश्चन में आएगा बेटा ये। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? हाँ बिल्कुल बेटा, आपके पेपर में आया था, लेकिन आप पहले पढ़ लेते। एक ये बात याद रखना, आज सरकारी नौकरी लेना बड़ा आसान है। कैसे? इन बातों पे ध्यान दे लेना, जीवन में ना कभी मार नहीं खाओगे। अगर हम वनडे एग्जाम की बात करें, तो वनडे एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो चीजें हैं, अगर हम मैक्सिमम चीजें देखें तो उसमें वनडे एग्जाम में 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ होता है, ठीक है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, और जीएस होता है। सरकारी नौकरी लेना आसान, 3 कंसेप्ट। पहला, सबको बराबर दर्जा देना, मैथ को भी, रीजनिंग को भी, इंग्लिश को भी, जीएस को भी। बेशक आपका जीएस बहुत अच्छा हो, बेशक आपको जीएस पढ़ना ही अच्छा लगता हो, तो भी आपको मैथ को बराबर प्यार देना है, बराबर पढ़ना है, इतना ही समय देना है। इतना समय मतलब जैसे कि वो भी बैलेंस हो जाए। मैथ आपको बेशक अच्छा लगता है, तो भी आपको इंग्लिश को समय देना है। पहला कंसेप्ट है, क्योंकि सिलेक्शन 1, 2, 3 पढ़ने से नहीं होगा, 4 पढ़ने से होगा। सिलेक्शन 1 पढ़ने से नहीं, 4 पढ़ने से होगा। रियलिटी यही है कि 4 पढ़ोगे तो भी प्री निकलेगा, 4 पढ़ेंगे तो ही मेंस निकलेगा, और 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ही कंधों पर सितारे लगेंगे। पहला कंसेप्ट है कि 4 को पढ़ना, 4 को बराबर टाइम देना। दूसरा कंसेप्ट है कि सबसे पहले आपको
सबसे पहले आपको क्या मैथ भी हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो और जीएस हो, सबसे पहले आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले, ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आप फॉर्म भर दे रहे हो, जब आपका एडमिट कार्ड आ गया तब आप पेपर देने के लिए कोई भी यूट्यूब से क्लास ले ली, कोई कोर्स ले लिया, कोई आपने क्रैश कोर्स ले लिया, बेटा कभी सिलेक्शन नहीं। पहला, चारों ही सब्जेक्ट बराबर पढ़ने हैं, आपको ऐसी मानसिकता रखनी है, आपको सोचना है, जैसे हम 9th 10th 11th 12th में 8-8 सब्जेक्ट को सबको बराबर पढ़ते थे, सब में पास होते थे, तभी तो क्लास में फर्स्ट या अच्छे नंबर आते थे। ऐसे चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सबसे पहले हमें चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद पेन कितना गिर रहा है, उसके बाद आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद क्या देना है, मॉक टेस्ट आपको लगभग, और ये चौथा नंबर कि पूरी तैयारी के दौरान लगभग 10,000 क्वेश्चंस की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस। इतना कर लोगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं निकलेगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे, सर टाइपिंग और कंप्यूटर वो भी इसी के हिस्सा होता है, टाइपिंग और कंप्यूटर जब आप करोगे बाद में तो टाइपिंग और कंप्यूटर भी आपको करना पड़ेगा, टाइपिंग और कंप्यूटर के बिना भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, याद हो गया। हाँ, आधे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि वो ये सोच लेते हैं कि चलो, देखो वो क्या सोचते हैं कि हम ये है, ये मैं सोच रहा हूँ क्या, अच्छा चलो CHSL आया भर देते हैं। अब कोई CHSL का कोई क्रैश कोर्स दिलवा दो भैया जिससे इसको CHSL हो जाए, ठीक है। उसके बाद GD आ गया, GD भर दिया, फिर CGL में इस बार 50,000 पोस्ट आ जाए, अरे चलो यही सब्जेक्ट है इसे भी भर दो, इनका क्रैश कोर्स लेके पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं मिलेगा मेरे लाल। सिलेक्शन तभी मिलेगा एक बार चारों सब्जेक्ट को अच्छे अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही अपना मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद ही आपको नौकरी मिलने वाली है। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो टीचर आपको अच्छा लगे उसी का स्पेशल पढ़ो, उसी से एक बार रीजनिंग करो, उसी से मैथ्स करो, उसी से इंग्लिश करो। हाँ, आपको आदित्य सर से सबसे अच्छा लगते तो आदित्य सर से ही मैथ पढ़ना, और भी बहुत टीचर हो सकते हैं, सबका सम्मान करना, लेकिन स्पेशल बैच आदित्य सर का लेना। रीजनिंग में अगर आपको विक्रमजीत सर अच्छे लगते हैं, विक्रमजीत सर नाम ही खतरनाक भाई, और रीजनिंग मतलब विक्रमजीत, अगर आपको रीजनिंग करनी है हर एग्जाम के लिए कंप्लीट, वहां से कर सकते, GS की टीम, रैंकर्स गुरुकुल की यहाँ से कर सकते, कोई भी टीचर आपको, मैं कहता हूँ फॉलो एक को करो बस, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस करो, फिर मॉक लगाओ, 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी पूरी तैयारी के दौरान। उसके बाद कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपकी नौकरी ना लगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है मेहनत करने वाले को फल मिलता है, ठीक है। चलेगा रण उत्सव, पेपर से पहले भी चिल्ला चिल्ला के कराया बहुत बार कि भैया एग्जाम में आएगा। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बिल्कुल। और सबसे अच्छी टीम बता दो सर, तो सबसे अच्छी टीम एक ही बताऊंगा मैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, रैंकर्स गुरुकुल इज द ग्रेट। ग्रेट इसलिए क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा करवाने वाला मंच है, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला मंच है, आपके कंधे पर सितारे लगवाने वाला मंच है, आपके साथ लगातार आपके साथ मिलकर मेहनत करने वाला मंच है, ठीक है, बिल्कुल। रण उत्सव कहां पर मनाया जाता है, बेटा गुजरात में। अब देखो गुजरात से और भी फैक्ट, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाया आपको, गुजरात से और भी फैक्ट याद कर लो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से क्या गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक और याद कर लो साथ ही साथ, सबसे लंबी आपकी कोस्ट लाइन कौन सी है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन, सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन सी है बेटा, गुजरात, कौन सी है, गुजरात। तो एक एक क्वेश्चन से कई कई क्वेश्चन आपको तैयार करने, ठीक है। और क्वेश्चन ये सारे स्टैटिक जीके के, सारे के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके नोट्स जरूर बनाइए। चार फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म आएगी आएगी आपकी SSC GD में, एक फुल फॉर्म आएगी ही आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इतना भी हो जाता है DPSP की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, बिल्कुल भाई। और थ्योरी की क्लास चल रही थी बेटा, मैं सच में 3 दिन से क्लास लेने की सोचता हूँ, टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो रहा था। और जो आपकी थ्योरी की क्लास, आज जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको, फंडामेंटल राइट्स, आप ये मत कहना सर बोल देते हो फिर नहीं होती,
6 बजे क्लास होगी फंडामेंटल राइट्स की, कहाँ पर होगी आप सभी को पता है, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर होगी, 110% होगी। ठीक है, चलिए देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, रैंडम एक्सेस मेमोरी और CNG यानी ए का 4, पूरा भी मत पढ़ो आंसर तब भी, क्योंकि 4 किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और जबरदस्त, बहुत ही शानदार और जबरदस्त, पोलो पहले ईरान में खेला जाता था, पोलो वाज फर्स्ट प्ले इन ईरान बट मॉडर्न पोलो ऑर्गेनाइज इन इंडिया, जो आपका इसको ना पहले इसको क्या कहते थे, चोगान बोल देते थे, चोगान, ठीक है, पर लेकिन जो मॉडर्न पोलो है वो इंडिया में इसकी वो इस शुरुआत हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, मध्यकाल में इसे चोगान कहते थे, बिल्कुल बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने में है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल इसमें 4 खिलाड़ी होते दोनों तरफ तरफ, लेकिन जो वाटर पोलो होता है, ठीक है, जो वाटर पोलो होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, यानी क्या पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कोई भी गलत नहीं है, राइट आंसर क्या है, डी है, राइट आंसर क्या हुआ मेरे भाई, डी हुआ। हाँ बेटा, एक ई बुक बन चुकी है, ठीक है, एक ई बुक बन चुकी है आपकी, जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी पॉलिटी की, और ऐसी ई बुक भी जबरदस्त आपकी जल्दी आ जाएगी, काम चल रहा है, ठीक है, और स्टैटिक जीके का मैंने प्रॉमिस कर ही रखा है, टॉपिक 1 दे चुका हूँ इंपॉर्टेंट बुक का, और बाकी भी आपको मिल जाएगी, वरना ठीक है, हाँ जनवरी से तो बिल्कुल 110% है, वैसे काम चल रहा है अभी भी, थोड़ा सा मैं अकेली नन्नी मुन्नी सी जान हूँ आप लोगों के साथ इस मामले में, तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम को लेकर थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ बस। चलिए बताइएगा, देखो, द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल, सैटेलाइट एप्पल की बात करें, इसका काम क्या था, टीवी रेडियो इनकी कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई थी, टीवी रेडियो के लिए जो पहली सैटेलाइट भेजी गई थी उसका नाम क्या था, एप्पल, पूछा जाएगा, फर्स्ट सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की गई थी नाम क्या था, एप्पल, ठीक है, और ये बनी कब थी, ये बनी थी उन्नीस जून 1981 में बनी थी, ठीक है, वेरी गुड। ओके, टाइमिंग, दो टाइमिंग है बेटा यूट्यूब पे क्लास की, एक टाइमिंग है जहां पर आप अभी जुड़े हो, इस चैनल का नाम आप सभी को पता है रैंकर्स गुरुकुल, और एक है आपका दूसरा चैनल आरजी स्टेट एग्जाम, ठीक है, आरजी स्टेट एग्जाम पर डेली क्लास होती है, ठीक है, 6 बजे, और मेन चैनल पर जहां पर अभी आप लाइव हो यहां पर क्लास होती है 4:30 बजे, ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल पर कित कब होती है, साढ़े चार बजे, ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, फिलोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, स्टडी अंडर फिलोलॉजी, स्कल की होती है, लैंग्वेज की होती है, आपकी रॉक्स की होती है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन की होती है, बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है आपको, बिल्कुल बताइए, फिलोलॉजी की बात कर लेते हैं, फिलोलॉजी का जो स्टडी होती है, ठीक है, तो किसका होता है उसमें, वेरी गुड, किसमें, लैंग्वेज का, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट GD और CHSL के लिए, GD और CHSL के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है भाई दोनों, क्या है ये, याद कर लो,
अगर आपको ये याद है तो आप इसका आंसर बता दोगे, मतलब अली अकबर खान, ठीक है, आपका अलाउद्दीन खान और आपका अमजद खान, ये तीनों क्या है, ये सरोद बचा बजाते हैं, सरोद वादक है। लेकिन आपका आला रखा खान ये क्या है, ये आपका तबला वादक है। कौन है ये आपका तबलक वादक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी कितने बच्चे हमारे साथ हैं जो जीडी का पेपर, जिनका टारगेट जीडी है, एसएससी जीडी, एक बार वो कमेंट में एसएससी जीडी लिखे, और जिनका टारगेट सीएचएसएल है, एक बार वो कमेंट में सीएचएसएल लिखे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे हमारे पास अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्पीड के साथ करिए जल्दी जल्दी। एक एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट और इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में होगा भी कोई। जो बच्चा सीएचएसएल वाला है सीएचएसएल लिख के बताए, वो जो जीडी वाला है जीडी लिखे स्पीड के साथ। और कौन कौन बच्चा पूरा सीएचएसएल की टेक्निक, पूरी प्रैक्टिस चाहता है आसान भाषा में 1 मिनट के अंदर, कि सीएचएसएल और जीडी कैसे निकले कि हम जो है चीजें कवर कर ले, और यूट्यूब से फ्री में बिल्कुल, कौन चाहता है कि उसको मैं अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बता दूं कि वो कर ले जाए। मैं बता देता हूं, जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की मैं 3 प्लेलिस्ट आपको स्पेशल सजेस्ट कर सकता हूं। सबसे पहले एक नोटबुक लेना है, और पहले पेज पे अपना क्या लिख लेना है, आपको सिलेबस लिख लेना, सबसे पहले आपको सिलेबस लिख लेना, सिलेबस लिखोगे उसके बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की आपको सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो आप दे सकते हैं। 60 दिन 60 मैराथन देख लो भाई, 60 दिन 60 मैराथन आप देख सकते हो। जिन बच्चों ने ये देख रखी है वो 50 दिन वाली देख लो, 50 दिन 50 मैराथन, ये दोनों आपके लिए बेस्ट रहेगी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए। अभी जीएस के लिए आपको जो स्पेशल मैं आपके लिए बता रहा हूँ सबसे बेस्ट, ठीक है, सबसे बेस्ट है मैथ। साइंस के लिए मैम ने क्लास चला रखी है साइंस वाली, वो क्लास देख लो आप, ठीक है। हिस्ट्री के लिए और करंट के लिए इकोनॉमिक्स के दीपक सर की क्लास चल रही है, और स्टैटिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए आप 2 क्लास देख सकते हैं या केवल 1 क्लास देख सकते हैं 4:30 बजे वाली, और ये क्लास अब परमानेंट होगी, नॉन स्टॉप, विदाउट संडे ब्रेक, संडे का भी ब्रेक नहीं लगेगा अभी क्लास होगी, क्योंकि बहुत हो गया 4-5 दिन से मेरा बीच में डामाडोल सा हो गया। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल 80% स्टेट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके के प्रश्न कम से कम आपके रहते हैं ना 60 से 70%, मैं कहता हूँ 80% क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हूँ मैं 4:30 वाली क्लास से। कितने परसेंट, 80% क्वेश्चन रैंकर्स गुरुकुल मेन चैनल पर 4:30 बजे जो क्लास चलती है, एक भी दिन मत छोड़ना। आपको अगर 80% क्वेश्चन में जीएस में हेल्प ना मिली तो मेरा नाम बदल देना, जो आप खुले मन से कह रहा हूँ, इतनी मेहनत आपके साथ स्पेशल। अब जो है आज ये पहली क्लास थी जीडी, पहली क्लास चल रही है और पूरी पे करने वाला हूँ जीडी और सीएचएसएल के लिए, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर तरीके से। देखो देहरादून में क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, आपका इसने क्या पूछा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12वीं के बाद जाते हैं ना नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र के पुणे में, खड़कवासला में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, हाँ। और एक रामबाण जो मैंने आपको कहा था जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टैटिक के लिए, वो है राज्यवार यात्रा। राज्यवार यात्रा बंद नहीं हुई है, राज्यवार यात्रा जीडी से पहले पहले नहीं, मैं बहुत पहले आपको करवा दूंगा, 5 स्टेट करवा दिए हैं, 23 और लगभग 23+8 ये बचे हुए हैं, ये करवा दूंगा मैं, ठीक है, कल या परसों में मंडे को क्लास उसकी कर लेंगे, घबराना मत, ठीक है। ये इतना कम से कम सबसे ज्यादा रद्दी क्वेश्चन है ये आपका, और फिर भी सीएचएसएल और जीडी में आएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ बेटा, जो वादे कर रखे हैं आपसे वो पूरे करेंगे। हम नेता थोड़ी हैं कि झूठे ऐसे कर देंगे वादे। आपसे क्या वादा किया था? स्टैटिक की पीडीएफ का, एक पीडीएफ आपके पास आ चुकी है स्टैटिक की पीडीएफ। और दूसरी बात, पीडीएफ सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, उस टेलीग्राम का नाम है एक, वो क्या है? रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल। कौन सा है? नागालैंड। राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन और बताइए आप। दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस स्टेशन एस्टेब्लिश बाय इंडियन साइंटिस्ट वेर इज लोकेटेड, कहां पर स्थापना हुई है इसकी? पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, थोड़ा हिट कर लो, सोच लो। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, पेंगुइन पाई जाती है यहाँ पर। और 1983 से 84 में इसकी स्थापना हुई थी, 83 से 84 में हुई थी अंटार्कटिका में। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस और, जैसे कि ये वाला बताइए, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को स्थापना हुई थी 2014 में, स्थापना हुई थी 2014 में। 80 से 90% मैं उसका बताता हूं आपको क्या तरीका। मेंस का बैच चल रहा है 16 तारीख से। मेंस का बैच कब से चल रहा है? 16 तारीख से। अब वो ऐसा हो पाएगा उसका, मतलब जिन बच्चों को लग रहा है, मुझे तो ऐसा एक फीलिंग आ जाती है ना, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं कट ऑफ के बारे में ऑनलाइन पे किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, फिर बहुत सारे ऊपर हो गए नीचे हो गए, तो मैं इसके बारे में मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। भले ही विक्रमजीत सर, आदित्य सर, प्रशांत सर से आप पूछ लेना, वो बता देंगे कट ऑफ के बारे में। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, 80 70 90 इसके बारे में नो कमेंट, क्योंकि मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर फिक्स। चलिए क्वेश्चंस करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? स्पीड के साथ रिटर्न आंसर। बहुत सुंदर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया यूएन के द्वारा कब से चालू किया गया था? यूएन के द्वारा कब से चालू किया गया है? तो 15 जून, 15 जून 2007 में यूएन के द्वारा इस चीज की परमिशन दी गई थी, और मनाया जाता है ये 2 अक्टूबर को। ठीक है, गांधी जी की जयंती पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? योग बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट, इसकी थीम पूछी है तो इसकी थीम थी बेटा मानवता के लिए योग। कहते हैं करो योग रहो निरोग। योग करने वाला व्यक्ति निरोग होने लगता है। जिसे खूब बड़ी बीमारी है ना, बहुत, चाहे लड़का लड़की बूढ़ा बच्चा कोई भी हो, जो योग करता है वो हमेशा निरोग रहता है, वास्तविकता है इस बात में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मतलब भाई इतने बूढ़े होने के, कितने भी दून कुछ भी गलत है, रामदेव में कोई पॉलिटिक्स गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन उनका बोल चालने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने देश को एक अच्छी चीज़ दी है। आज देश में उन्होंने एक योग के लिए लोगों को अवेयर किया है, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने खुद को दिखाया कि भाई उस उम्र के व्यक्ति लोग ढीले पड़ जाते हैं, वो पेट का हेलीकॉप्टर बना देते हैं, पूरा मुड़ना, शरीर को जितना मोड़ोगे, यानी शरीर ना भगवान ने कहा जितना इसको रगड़ोगे ना उतना अच्छा चमक के रहेगा। ठीक है, तुम कोई भी हो भाई, तुम कितना भी बर्तन को घिसोगे ना वो चमकेगा, कुछ भी चीज जितना घिसोगे ना उतना चमकेगा। और मतलब शरीर को तो जितना घिसो ना, जितना रगड़ो उतना बेटर है, तो योग के माध्यम से उन्होंने बताया है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य का मात्रक,
कार्य का ऐसा ही मात्रक। और सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते थे? सरोद सम्राट के नाम से हाँ, पेट का हेलीकॉप्टर ही बना देते हैं, मिक्सी बना देते हैं, हेलीकॉप्टर बात एक ही है। ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल। उस्ताद अमजद अली खान को क्या बोला जाता है? सम्राट किसका? सरोद का। इन्हें सरोद का सम्राट भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? बिल्कुल जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट। भारत में अगस्त और सितंबर के महीने कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। और मौलिक अधिकार को जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था उस समय कौन प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, मौलिक अधिकार जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, मौलिक अधिकार जोड़ा गया हमारे संविधान में, बिल्कुल जोड़ा गया। मौलिक अधिकार भी तो जोड़ा गया है ना, एक कौन सा? 21A के माध्यम से जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया? ठीक है, कौन सा? शिक्षा का अधिकार। और अगर यहां पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये भी जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, आर्टिकल 51A में। दोनों पूछे, इसमें पूछे तो आपको कौन बताना है? 1976 के प्रधानमंत्री का नाम बताना है। प्रधानमंत्री की पूरी पीडीएफ आपको दी थी। ठीक है बेटा, पहला नहीं पूछा इसने। और अगर 21A शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक अधिकार जोड़ा है, 2002 में प्रधानमंत्री कौन था, ये बात को बताना है। ये दोनों होमवर्क है आपको। ठीक है, क्लियर? बताओ, और कौन सा इंपॉर्टेंट त्योहार भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है? एक ये दो होमवर्क है, होमवर्क 1 और होमवर्क 2। कमेंट के नीचे आपको देखना है। नेहरू थे 2002 में प्रधानमंत्री, नालायक आदमी। ये यहां पे 76 में तो आपके इंदिरा गांधी थी ना, 76 में इंदिरा गांधी थी, 78 में मोरारजी देसाई थे, 2002 में कौन थे? पीडीएफ तो मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन ना लो। पचास हजार सीट वाली क्लास, ये 50,000 सीट में से एक लेनी है ये वाली क्लास। डेली आपकी चलेगी 4:30 बजे। कितने बजे चलेगी? 4:30 बजे। और ये पूरी प्लेलिस्ट आपको, कोई बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा क्लास बाद में, उसको हर क्लास के बाद अगली क्लास का लिंक मिल जाएगा। अभी जैसे ही क्लास एंड करूंगा, नेक्स्ट क्लास पे आप पहुंच जाओगे, उसको नोटिफाई भी कर लेना। और कल 4:30 बजे वो क्लास होगी आपकी। कितने बजे होगी? कल 4:30 बजे होगी। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, बताना है कि ठीक है यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री कौन थे और यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री कौन थे। दोनों क्वेश्चन होमवर्क करने, जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं पता चल जाएगा कितने बच्चे मतलब बिल्कुल सीरियस है लेकर चीजों को। और ठीक आधे घंटे बाद 6 बजे आपकी क्लास होगी, टॉपिक होगा मूल अधिकार। और क्लास कहाँ पर चलेगी? क्लास चलेगी मेरे भाई आपकी आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। सभी जाके साथी आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सर्च करिएगा, आरजी स्टेट एग्जाम, आर जी स्टेट एग्जाम। और टॉपिक है आज फंडामेंटल राइट्स। धमाकेदार क्लास चलने वाली है, ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे। तो सभी साथी मिलिएगा, जब तक के लिए सभी को राम राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।